अभी हम लोग मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, या फिर है, या फिर सर एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ, या फिर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, या फिर है पर वो कैटेगरी में वैसा नहीं है जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात किया था। मान लीजिए मैं एलईडी एसिड बैटरी ले लूं, ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसका कैटेगरी मार्केट में है, पर मुझे जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो नहीं है। मान लीजिए मुझे स्पेसिफिकेशन में कुछ चाहिए, वारंटी में जो वारंटी है, मैं मेरा बैटरी का वारंटी 6 साल का आता है, पर यहाँ पे 6 साल तो है ही नहीं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूं? या फिर मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, वो मार्केट में वो कैटलॉग कैटेगरी ही नहीं है, मतलब वो ग्रुप ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ये दोनों केस में देखो, इसमें आप कर तो कुछ नहीं सकते, इतना ये इजी नहीं है, पर आप चाहो तो जीएम को रिक्वेस्ट भेज सकते हो जो आप प्लीज ये अपलोड, ये एडिट कर दो, या ये कैटेगरी मार्केट में लेके आओ, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हो, पर ये ऐड होगा ये जीएम के ऊपर डिपेंड करता है फुली। तो कैसे रिक्वेस्ट भेजना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पहला दोनों केस बताता हूँ, एलईडी एसिड बैटरी का है मान लीजिए मेरा, पहले मैं ऐसे चीज का बताता हूँ, ये मार्केट में एक कैटेगरी है पर वारंटी का प्रॉब्लम है, 5 साल का है मेरा प्रोडक्ट, 6 साल का वारंटी का, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया, आप इसमें कुछ भी चेंजेस और करवा के ले सकते। तो आपको क्या करना है ऐसे केसेस में, यहाँ पे क्लिक करना है, can't find suitable category, click here to submit for request creation for new category. इसको हम लोग RMS भी बोलते हैं, request management system. इस पे क्लिक करो। Request क्या है आपका? New category creation का करोगे या कोई category को upgrade करवाना चाहते हो? मैं कोई category को upgrade करवाना चाहता हूँ, तो request for category upgradation. कौन सा कैटेगरी है, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है? प्रोडक्ट है, यहाँ पे अभी प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है इसमें, आ गया। अभी यहाँ पे आपको चूज करना है एलईडी एसिड बैटरी, आपको एलईडी एसिड बैटरी का चाहिए, एलईडी एसिड बैटरी, बराबर कैटेगरी का है। इस कैटेगरी में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे देखो दिखते आ गया आपको। मुझे किसमें चेंज करना था? वारंटी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स है, आपको 6 ईयर का चाहिए, आप 6 ईयर डाल दो और डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, जो वारंटी 6 ईयर का आपका प्रोडक्ट है। भी आपका है वो डाल दीजिए, और ये 6 इयर्स का जो बैटरी का है, इसका प्रोडक्ट का जो भी आपके पास इसका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और जनरेट रिक्वेस्ट कर दीजिए। अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, ऐप भी है कि नहीं क्या पता, 6 इयर्स चलो जो भी anyway, उसका लिए जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है और आपको यहाँ से रिक्वेस्ट दे देना है, ये जेम के पास रिक्वेस्ट जाएगा, जेम चेक करेगा, यदि ये लगा कि जेम में सच में ये प्रॉपर है तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड बोल के आ जाएगा, जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा आपको आना दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन के लिए डाला था, ये क्लोज कर दिया, व्यू में देखते हैं, नो कमेंट्स, कुछ भी कमेंट्स नहीं किया, पता नहीं इसको इसने डाला कि नहीं डाला डिस्क्रिप्शन, तो ये आपको इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। सेम यदि आपको नया कैटेगरी बनाना, मान लो मार्केट में वो कैटेगरी है ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी क्रिएशन चूज करेंगे, फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट, सर्विसेज का है तो सर्विस, जैसे सर्विसेज का मान लो मैं ले रहा हूं, क्या है सर्विसेज मेरा, पेंटिंग सर्विस, पेंटिंग का सर्विसेज, पेंटिंग सर्विसेज नहीं है, वो पेंटिंग सर्विसेज चाहिए है ना,
का डिस्क्रिप्शन, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो अभी मिल जाएगा। क्या रहता है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स डाल दीजिए, ताकि जितना अच्छा डालेंगे उतना आपको चांसेस है कि आपको वो आए, ये मार्केट में प्रोडक्ट जल्दी आ जाए। इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहां से डाउनलोड करो, इसको एक्सेल का फाइल एक ओपन होगा, इसमें आपको डिटेल्स भरना है। क्या डिटेल्स भरना है, नेम, आपका प्रोपोजर का नाम क्या, मेरा मीना, ऑर्गेनाइजेशन, मेल एड्रेस, फोन नंबर, नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेस, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन। यदि आपका प्रोडक्ट का रहा तो प्रोडक्ट में भी ऐसे रहेगा, बैंकिंग सर्विसेज, फंक्शन में कुछ है, इसका कोई डिटेल्स है, डिटेल्स स्पेसिफिकेशन है तो वो अटैच कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन है तो आपको मिलना चाहिए वो स्पेसिफिकेशन। देखता हूँ इसमें कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह है क्या, चलो ये हम अपलोड कर सकते हैं। एंड आप जितना अच्छा से बनाएंगे, जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका प्रॉफिट है। एक्सेल का सीट में जाना है आपने को, सीट अटैच करो, वन में डाल दें अटैचमेंट, इसको हाइपरलिंक, चलो सीट वन के साथ लिंक कर दिया। ओके, कोई और सर्विसेज का डिटेल है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है, लाइसेंस है तो वो डिटेल्स जानो। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहता है, क्या नॉर्मली प्राइस इसके रहते हैं, तो डाल देना इसको, ऐसे जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डाल दो। सर्विस प्रोवाइडर और कौन है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर, आप छोड़ के और कौन कौन लोग सर्विस प्रोवाइडर, एशियन पेंट करता है, भी कॉल करता है, आप ऐसे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर डाल दो, ऑर्डर्स वगैरह का डिटेल्स डालो, बायर कौन कौन है, इससे पहले किसी को आपने दिया है ऐसा सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स के, उनके ऑर्डर कॉपी वगैरह यहाँ अटैच करना है, जैसे मैंने अटैच किया। इसके बाद और एक सीट है यहाँ पे, आप इसमें नहीं आ रहा है सर्विसेस में, आपको प्रोडक्ट में और एक सर्विसेस का कॉलम आएगा, वो आपको डालना है। मैं इसको सर्विस सेव कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, प्रोडक्ट में भी मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। चूज भी एक्सेल का फाइल डाउनलोड में मिलेगा, जनरेट यू माई रिक्वेस्ट, शायद ये रिक्वेस्ट आ गया, क्या हो गया, शायद लॉग आउट हो गया मैं, नहीं आया कोई वजह से वो रुक गया, मतलब ये प्रॉपर काम नहीं किया, तो फिर से वैसे रिक्वेस्ट आपको जनरेट कर सकते हो। ये रहा सर्विसेज का,
अभी प्रोडक्ट का जैसे देखिए, प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अभी नहीं है, बहुत सारे नहीं है एक्चुअली, वेरी नहीं, ये नहीं है, MCF बैटरी, बैटरी का है ना सर, MCF माइक्रो कार्बन फोम बैटरी, हाँ ठीक है, तो आप डाल दीजिए, मैं ऐसे एग्जाम जो भी है आप वो अपने हिसाब से बना दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, तो यहाँ पर भी पहला वाला तो सेम है जैसे मैंने आपको भर के दिखाया था, ये तो सेम है पर इसमें और एक है फॉर्मेट, ये भी आपको भर के देना पड़ेगा। इसमें आप क्या क्या भरोगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए जो कैटेगरी है मैं उसका बताता हूँ, मार्केट में जो अवेलेबल कैटेगरी, मान लीजिए बैटरी अवेलेबल है और ये कैटेगरी नहीं होता और मुझे डालना होता तो मैं क्या क्या डालता, ये सब टाइप ऑफ एलईडी एसिड बैटरी यहाँ पे डाल रहा है, ओके, ये किस किस फॉर्मेट में आता है, क्या में आता है, एक ये आता है, और दूसरा क्या, और भी कुछ आता है तो वो डालिए, जैसे जैसे यहाँ पे जितने टाइप्स में आते हैं वो डाल दीजिए, वारंटी, वारंटी कितने में आता है, 1 साल में आता है, 2 साल में आता है, 3 साल में आता है, 4 साल में आता है, 5 में आता है, 6 साल में आता है, और क्या क्या, एच कितना कितना है, एच में 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 70 में आता है, जो है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरा इस तरीके से इसमें फिल करना है, एक एक जो भी स्पेसिफिकेशन है पूरा स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं उसके लिए इंटरनल रेशियो सर्टिफिकेशन ये सब में कुछ है क्या, है तो उसका पूरा डिटेल्स डालिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ करते हैं तो वो डिटेल्स डालिए, जेनरिक का कुछ है, बैटरी वगैरह और कुछ है तो ये डालना है, वारंटी वगैरह सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करते हैं वो सब, सर्टिफिकेशन वगैरह है तो जो भी है उसके अंदर डिटेल्स डाल देना है, जो जो आपके पास रहेगा उसका लैब पूरा डिटेल्स वगैरह सब कुछ डालते हैं, डालने के बाद इसको आपको सेव करके सेम इसको आपको अपलोड कर देना है, यहाँ पे इसको अपलोड कर देना और इसको रिक्वेस्ट भेज देना है। अभी ये रिक्वेस्ट अप्रूवल होना या नहीं होगा, कितने दिन में अप्रूवल होगा, क्या होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल, कभी कभी साल साल भर, दो दो साल भी अप्रूवल नहीं हो सकता है, और यदि होना रहा मल्टीपल रिक्वेस्ट, ये कैसे अप्रूवल होता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जनरली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सेलर से नहीं बायर से, यदि ये रिक्वेस्ट बायर ने किया तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये मल्टीपल सेलर सिर्फ आपके अकेले करने से नहीं, कम से कम 100-200 सेलर लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा तो हो सकता है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट आ जाए, आपके अकेले के रिक्वेस्ट भेजने से ये मार्केट में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। हाँ, आप रिक्वेस्ट भेज के छोड़ सकते हो, पर इन फ्यूचर और भी किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है तो वो मार्केट में प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, पर बायर भेजता है, और यदि 100 सेलर ने भेजा और उसके जगह सिर्फ 10 बायर ने रिक्वेस्ट किया तो बायर का काम पहला होगा ना कि सेलर, पर आप रिक्वेस्ट ऐसे जनरेट करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं RMS, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कब तक होगा, कैसे होगा, ये हमारे हाथ में नहीं, जब मल्टीपल लोगों लोन रिक्वेस्ट भेजेंगे तब ये हो पाएगा। समीर सर बोलिए। सर वो वारंटी प्रोडक्ट का जो इंक्रीज करते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में कहाँ से होता है, वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोसेस में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिर आपको कैटेगरी में न्यू कैटेगरी अपग्रेडेशन है, रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन लेना, रिक्वेस्ट करना है, तो फिर आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट आ जाएगा, जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पे उसका पूरा स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स नीचे आ जाएगा। तो ये विंडो एक बार क्लोज करके वापस बताएं। हाँ यहीं पर है ना सर, मैंने वही क्लोज ही किया, चेयर ऑफिस किया, अभी चेयर ऑफिस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है, फिर आप इसमें जो भी चेंजेस करवाना है वो करवा सकते हैं, और ये तो कैटलॉग का डिटेल्स है, यहाँ पे जाके यहाँ पे डिटेल्स है, व्यू कैटेगरीज में आना है ना? हाँ, कैटेगरी अपग्रेडेशन के लिए, कैटेगरी अपडेशन। किरण सर, हाँ सर, अगर जेम पे प्रोडक्ट नहीं है तो सर ये तो अच्छी बात है ना सर, क्योंकि बायर जो है वो जेम से एनएसी लेते हैं, हम यहाँ पे करते हैं ऐसा, अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है तो एक एनएसी लेके हम डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके बेसिस में वो डायरेक्ट परचेस करते हैं या फिर लोकल टेंडर करवाते हैं। बराबर है, हाँ
तो उसमें अगर हम ऐड कर ऐड ना करें तो अच्छी है ना सर। हाँ वो तो अच्छी बात है ही, पर बहुत लोगों को लगता है होना चाहिए। तो हम एक्चुअली देखो, हम यहाँ पे देखो नहीं करना है, यदि वो करना है हाँ सर, ये रिक्वेस्ट नहीं भी भेजना है तो इसका टेंडर निकल सकता है ना, बिल्ड तो बनी सकता है, कस्टम बिल्ड तो बनी सकता है। कस्टम बिल्ड बनी सकता है। तो पर बहुत लोगों को पर यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, और बहुत लोगों को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए जिम पे, तो कैसे लाना है उसका एक प्रोसेस है, वो मैं बताए। यस सर, यस। बोले और कुछ डाउट्स हैं आरएमएस के रिगार्डिंग?